हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर वो लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम आज 142 जो है वो एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे कि भाई साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्जी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी या अल्गोलॉजी या बॉटनी या बोथ ए एंड बी। तो इसकी जो स्टडी होती है इसको अल्गोलॉजी भी कहा जाता है, फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। उसके बाद हमारे पास है कि यूनिसेलुलर मोटाइल अल्गा। अल्गा सबसे पहले यूनिसेलुलर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर मल्टी सेलुलर है तो हमारे पास क्या होगी, अल्जी होगी। और इसकी जो मकसद होता है उसको हम कहते हैं सी लिट्यूसी, समुद्री घास। यूनिसेलुलर मोटाइल अल्गा, एक तो यूनिसेलुलर हो और दूसरा मोटाइल अल्गा हो, तो वो कौन सा वाला है? तो वो हमारे पास होता है क्लाइमेट डोमोनास, जो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको यूनिसेलुलर मोटाइल जो है मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है कि भाई कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज़ फाउंड इन, ये इसी तरह से वो कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो कह रहा है कि किस में पाया जाता है। तो वो आपको जो है वो क्लाइमेडोमोनास की अगर आप शक्ल देखेंगे तो उनके पास फ्लेजिला वगैरह भी होता है, और कप शेप्ड जो होता है इनके पास क्या होता है, वो क्लोरोप्लास्ट। बाकी हम क्लोरोप्लास्ट के काम से तो वाकुफ़ ही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, पायरीनोइड्स इन ग्रीन एल्जी आर मेड अप ऑफ। पायरीनोइड्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो स्टार्च वगैरह स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। तो ये ग्रीन एल्जी जो जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, उनके अंदर ये किस चीज़ के बने होते हैं, स्टार्च एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ये बी आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा। उसके बाद है फ्लेजिला इन क्लाइमेडोमोनास आर डैश डैश बोथ विप्लेश या बोथ टेंसिल टाइप या वन ए एंड वन बी टाइप। तो इसका जो विप्लेश होता है ना वो बहुत लंबा सा ये ऐसे जो होता है टर्न किया हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं विप्लेश, मतलब ऐसे जैसे विप्लेश लगाया जाता है, तो उसकी तरह से इनके पास दोनों यही होते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि भाई रेड स्नो फेनोमेना कॉज ड्यू टू। अब रेड स्नो फेनोमेना ये होती है कि वो जब समंदर में इतनी ग्रो करके आती है तो उनका जो कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, तो ये होता है असल बिकॉज ऑफ क्लाइमेडोमोनास की वजह से, तो उसको हम कहते हैं रेड स्नो फेनोमेना। उसके बाद है रोलिंग अल्गा इज़ द कॉमन नेम ऑफ, रोलिंग अल्गा जो मूव करती होती है। अगर आप देखें तो वॉलवॉक्स को ये आपको यानी कि रोलिंग अल्गा की तरह जो है वो दिखाई देगी, तो इसको हम क्या कहते हैं रोलिंग अल्गा। वॉलवॉक्स इज़ द मेंबर ऑफ द डैश ग्रुप, ये ग्रीन यानी कि अल्जी का जिसको हम क्या कहते हैं क्लोरोफाइसिक कहते हैं, तो उसमें आपको जो है वो वॉलवॉक्स पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि 150 द स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट इन फाउंड, यानी कि स्टार शेप जो क्लोरोप्लास्ट हो तो वो किसके पास होता है, तो ये होता है जिग्निमा के अंदर जो आपको मिले कि स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की शक्ल के बुनियाद पे भी इनको क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्गा नोन एज सी ल्यूटिसी, इनमें से किसको जो है समुद्री घास कहा जाता है, तो अल्वा को जो होता है वो क्या कहा जाता है, सी ल्यूटिसी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।